उन पे एनएसए लगा हो या जो भी लगा हो, ये पूर्णतः गलत है और इसे सरकार को वापस लेना चाहिए। और मनीष कश्यप अब एक पत्रकार नहीं रह चुके हैं, अब बिहार सरकार उनको अविलंब रिहा करे और उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय को अनुशंसा करे। बिहार का आवाज उठाने वाला युवा को ऐसे डाल दिया गया, अचोर चुहार मंत्री बना के करोड़ ले के मंत्री बना दिया जा रहा है बिहार में, दारू बंद करके पुल भंस जा रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री रहेगा? और युवा जो बिहार का आवाज उठा सकते उसको जेल में डाल दो। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री आने वाला था, गलती किया था तब तो जेल में डाला। गलती किया है, इससे दैनिक भास्कर नहीं डाला था, हिंदुस्तान डाला था, पप्पू यादव था, पप्पू यादव क्यों नहीं जेल गया? तो खाली मनीष भैया जाएंगे? मनीष भैया बिहार के पहचान है, वो जनता के लिए और बेरोजगार युवा के लिए लड़ते थे, लेकिन उनको दबा दिया गया है। आज जनता से बोलना चाहते हैं कि उनको बाहर निकालना ही पड़ेगा। और ये जो मंत्री लोग हैं इनसे भी कहते हैं उनको निकलेंगे तो वो एक मसीहा है बिहार के लिए। मनीष कश्यप एक ऐसा नाम जो बिहार ही नहीं पूरे देश में इस नाम का चर्चा है। अभी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे मनीष कश्यप के बारे में। मनीष कश्यप के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? मनीष भैया सबके सपोर्ट में रहते हैं, गरीब हो अमीर हो उससे मतलब नहीं रखते हैं। जाति विरोधी मनीष भैया कभी नहीं किए हैं, लेकिन मदुरई के जेल में है। लेकिन हम लोग आवाज उठाते हैं मनीष भैया के प्रति, मनीष भैया को रिहाई होना चाहिए। रिहाई होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल। ऐसे भी लगा हुआ है? हाँ, आखिर क्यों हुआ ऐसा? मनीष भैया तो बहुत जल्दी बिहार पहले आए, काला वहाँ जो काट रहे सजा काला ना, क्या कहा जाए उनको। विशाल भैया गया था परसों, बात हुआ है विशाल भैया से, फोन में बात हुआ, ऐसा ऐसा बात बताया कि सुनकर रोआई आ गया है कि बिहार का आवाज उठाने वाला युवा को ऐसा डाल दिया गया, अचोर चुहार मंत्री बना के 1 करोड़ ले लेके मंत्री बना दिया जा रहा है बिहार में, दारू बंद करके पुल भंस जा रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री रहेगा? और युवा जो बिहार का आवाज उठा सकते उसको जेल में डाल दो। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री आने वाला था, गलती किया था तब तो जेल में डाला। गलती किया है, इससे दैनिक भास्कर नहीं डाला था, हिंदुस्तान डाला था, पप्पू यादव था, पप्पू यादव क्यों नहीं जेल गया? तो खाली मनीष भैया जाएंगे? पहला चीज भागलपुर का पुल बने बिहार भागलपुर, कितना दिन हुआ पुल भंसना चाहिए। मनीष भैया कह दिए थे कि पुल टूटेगा, पक्का पुल टूट गया, किशनगंज भी वही हुआ है। तो मनीष भैया भाई पानी जा रहे हैं ना, बिहार में क्या होने वाला है? तो पहले से पता होता नहीं पुल टूट जाएगा। हाँ देखिए, कहे पुल टूटा कि नहीं वो अभी देखें, तो इससे बड़ा क्या होगा भविष्यवाणी? मनीष कश्यप के बारे में क्या राय है? मनीष कश्यप बिहार का एक ऐसा युवा जो अपने एक गरीब ब्राह्मण परिवार से आते हैं और वो एक अच्छी पढ़ाई की डिग्री भी रखते हैं, और मनीष कश्यप वो है जो बिहार ही नहीं पूरे देश में, आज आप लोग ये जो पटना जंक्शन पे जो अभी सोशल मीडिया के जरिए जो ये न्यूज चैनल चलाया जा रहा है, इस क्रांति के जनक हैं, जो कि आज पूरे देश में सोशल मीडिया पर आज बहुत सारे ऐसे लगा दिया गया, इसके बारे में क्या सोच? बहुत सारे युवा, मेरी बात को पूरा रखने दीजिए, बहुत सारे युवा के वो आदर्श बन चुके हैं कि आज बहुत सारे युवा एक कैमरा और एक माइक लेकर के देश की और अपने गली की, अपने बाजार की समस्याओं को, अपने गांव की समस्याओं को सोशल मीडिया के माध्यम से रखते हैं। मनीष कश्यप को आज जेल में बंद रखना कहीं ना कहीं बिहार के युवाओं का अपमान है। एक वो युवा जो अपने राज्य की हर एक कमी को देश के सामने रखता है, उसको आज राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बना करके जेल में बंद कर दिया गया है। तो ये सरकार को सोचना होगा कि जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी, जेल में बंद किया गया था, तो वैसे भगत सिंह न जाने कितने पैदा हुए। तो आज मनीष कश्यप को जिस प्रकार जेल में बंद किया गया है, तो आज उस मनीष कश्यप के षड्यंत्र का नाम लिया कि षड्यंत्र के माध्यम से उनको रखा गया, किसका षड्यंत्र है ये? ये षड्यंत्र जिन्होंने जेल में बंद किया होगा ये तो आप बखूबी जानते हैं, जानना चाहते हैं। ये बोलिएगा तो आपको भी अंदर कर देगा सब। ऐसे ऐसे नेता मंत्री भरे हुए हैं बिहार में, पटना जंक्शन पे बाढ़ आया हुआ है, देख लीजिए थोड़े से बारिश में आना चाहिए स्टेशन पे बाढ़। अच्छा, उन पे एनएसए लगा है, इसके बारे में क्या कहिएगा? उन पे एनएसए लगा हो या जो भी लगा हो, ये पूर्णतः गलत है और इसे सरकार को वापस लेना चाहिए। और मनीष कश्यप अब एक पत्रकार नहीं रह चुके हैं, अब बिहार सरकार उनको अविलंब रिहा करे और उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय को अनुशंसा करे।
बहुत लोगों का इस बार कहना है कि मनीष नहीं तो वोट नहीं। मेरा भाई ही जेल में रहेगा तो इस चोर चुहार को वोट देने से क्या फायदा, युवा बेरोजगार, हॉस्पिटल नहीं, किसान मर ही रहा है, ये लोग को वोट देने से क्या फायदा है, वोटे नहीं देंगे। मतलब वोट नहीं, मनीष भाई आएंगे बिहार तब वोट देंगे। अब मतलब लगता है ये पॉसिबल है, ये संभव है, कोई अधिकतर युवा करेगा ये चीज? जो जी हाँ पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है कि मतलब मनीष नहीं तो वोट नहीं? बिल्कुल ये राजनीति का काम क्रिया है। मनीष का सबके बारे में क्या राय है? मनीष भी एक तरफ से बहुत अच्छा आदमी है, ऐसा उनके बारे में बुराई तो करना नहीं चाहिए ना। अभी अभी थे अब यहाँ पे तो बहुत मतलब दृष्टि के सुधार दिए, चाहे ये भी किए ठीक ना, अभी जेल में है, उनको पकड़ के बहुत गलती की है सर, इंसाफ ही है। क्या लगता है मनीष कश्यप के बारे में क्या सोच है? मनीष भैया बिहार के पहचान है, वो जनता के लिए और बेरोजगार युवा के लिए लड़ते थे, लेकिन उनको दबा दिया गया है। आज जनता से बोलना चाहते हैं कि उनको बाहर निकालना ही पड़ेगा, और ये जो मंत्री लोग हैं इनसे भी कहते हैं उनको निकालेंगे तो वो एक मसीहा है बिहार के लिए। क्या लगता है इतना जल्दी निकल पाएंगे? निकल पाएंगे जब सब जनता एक होकर अगर निकालना चाहेगा तो निकल सकते हैं। अच्छा, बहुत युवाओं का कहना है कि मनीष नहीं तो वोट नहीं, किस हद तक सही है ये? बिल्कुल सही है, मनीष भैया नहीं है तो वोट नहीं, बिल्कुल सही, हम भी नहीं देंगे वोट। क्यों? क्योंकि वो एक सच्चा है जो दबाया गया है उनको, इस वजह से वो निकलना ही चाहिए उनको, जरूरी है। लगातार युवाओं का मांग है कि मनीष कश्यप को जल्द से जल्द बाहर निकालना चाहिए, उनकी रिहाई होना चाहिए। बहुत सारे युवा का ये भी कहना है कि 2024 में अगर मनीष नहीं तो वोट नहीं, इस किस हद तक ये लागू हो